और अदालत से निकलते ही साद रफीक ने अदालत पर हमला कर दिया। बोले कि सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल 2017 की अदालती नाइंसाफियों का नतीजा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं करना तो पेश क्यों हो रहे हैं। साद रफीक ने कहा कि पीटीआई से तीन निकात पर इत्तफाक हो गया था। शाह महमूद ने जवाब दिया कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। ये 2017 से जो मुसलसल अदालती नाइंसाफियां की गई हैं बदकिस्मती से, उसका नतीजा है। तो अगर आप 4-3 की बात कर रही हैं तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं। तीन नुकतों का इत्तफाक मुज़ाकरात में हुआ है। हमने बड़ी लचक दिखाई और ये भी कहता चलूँ इसमें पेशरफ्त हुई, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। एक डार साहब के दस्तखत हैं, हम तीन थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं। दूसरा फरीक भी सबर का गुजारा कर ले तो अब ये चंद हफ्तों की बात है, ये कोई कई महीनों की बात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हमने आईन का दिफा करना है। हुकूमत का अदलिया पर एक और बार सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर्स पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में तो